फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज की एक बैक नेक डिज़ाइन सिंपल कटिंग करके बताऊंगी। तो चलिए हम कैसे कटिंग करते हैं वो देखते हैं। तो ये हमारा लेस है, ये जो कि हमारा स्लीवलेस पे लगेगा, बाजू पे लगेगा वो। और ये हमारा नाप है, ये हमारा अस्तर है और ये हमारा फैब्रिक है। तो पहले हम अस्तर पर इसकी कटिंग कर लेंगे, जो डिज़ाइन हमें बनाना है उस डिज़ाइन की। तो चलिए हम वो पहले देखते हैं। तो इस तरीके से पहले हमें इसको बिछा लेना है। ये हमारी नापी है, तो नापी के अकॉर्डिंग हम काटेंगे। ये हमारा अस्तर वाला है, थोड़ा हम ज़्यादा एक्स्ट्रा काटेंगे ताकि हमें मार्जिन रहे। इस तरीके से ये देखिए, ये फैब्रिक को हमने इस तरीके से बिछा लिया है। ये इस तरीके से बिछाने के बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। तो कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो ये नाप का लंबाई हम लंबाई पहले देख लेंगे। तो इतना हम नीचे रखेंगे हेम के लिए और इतना हम रखेंगे ये जो कि हमारा ऊपर स्टिचिंग में जाएगा। तो इस तरह से पहले हम मार्क कर लेंगे। अभी इसकी हम रखेंगे 2.5 इंच नेक की के लिए लेंगे और 3 इंच हम लेंगे आर्म होल के लिए। तो हम आर्म होल की लंबाई लेंगे ये 5.5 इंच। हम एक मार्क 5.5 पे लगा लेते हैं। इस तरह से हम इधर से भी मार्क लगा लेंगे 1 इंच। ये हमारा जाएगा जो हमारा गोलाई में जाएगा। इस तरीके से ये हम टिक लगा लिए। अब हमें नेक की लंबाई देखना है। तो नेक हम नाप से नाप ले रहे हैं कितना जाएगा मेरा, कितना लंबा है। तो ये हमारा 9 इंच है। तो इस तरह से हम 8.5 पर एक मार्क लगाएंगे इधर से। इधर से भी हम 2.5 इंच लेंगे ये। तो ये 2.5 इंच हम ले लिए। अब ये वाले मार्किंग को हम इसके इस मार्किंग से मिलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मिल चुका है ये। अब इसको हम कटिंग करेंगे। तो इसमें हमें जो डिज़ाइन बनाना है वो बनाएंगे। तो इसमें हमें इस तरीके का एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाना है। इस तरीके से ये देखिए, हमने मार्क जो किया है सेम इसी तरह हमें डिज़ाइन बनाना था। चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। उसको हम कट कर लिए। तो देखिए इसका सेम यही डिजाइन नेक का आएगा। बस इसी तरह से हम फैब्रिक को काटेंगे। तो चलिए वो काटते हैं फैब्रिक को इसी तरह से। ये देखिए, ये हमारा फैब्रिक है। अब इस फैब्रिक को हमें इस तरह से बिछा लेना है ये बराबर से करते हुए। इस वाले को अब हमको इसके ऊपर रख देना है इस तरीके से। यहाँ हम एक्स्ट्रा लिए हैं नीचे जो कि हमारा हेम में भी जाएगा। और स्टिचिंग के बाद इसको हमारा ज़्यादा होगा तो हम उसको कट कर लेंगे। तो पहले हम अच्छे से बराबर कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने बराबर कर लिया है। थोड़ा हम बढ़ाकर ही काटेंगे इस तरीके से। अब इसको हम काट लेते हैं।
हम इधर साइड से इसलिए कट कर रहे हैं जो कि आपको दिखाई दे, इसलिए हम इस तरह से काट रहे हैं। तो ये हमारा कट चुका है, ये देखिए। अब हम इसको ओपन करके दिखाते हैं। अब ये हमारा यहाँ से ये नेक के इधर यहाँ से पकड़ के हमें 5 इंच की एक मार्क लगानी है, जो कि हमारी ये मार्किंग टेकिन में जाएगी। इसे हम टेकिन लगाएंगे इस तरीके से। तो हम दिखाते हैं हमारा कैसा कटिंग हुआ नेक का। तो चलिए इस तरीके से हमारा नेक कट चुका है, ये देखिए। काफ़ी सिंपल और इजी ये नेक डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा ये लगेगा स्टिचिंग के बाद। तो चलिए अब हम मशीन पे चल के इसको स्टिचिंग करते हैं और दिखाते हैं कैसा बना ये नेक। इस तरीके से हम पहले बराबर से इसको स्टिच करेंगे इस तरीके से, कच्चा सिलाई रख कर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये नेक कट चुका है, ये बराबर से मैं दिखा दी। तो फ्रेंड्स, ये कटिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब चलिए हम इसको स्टिच करते हैं और दिखाते हैं कैसे हो रहा है। इसको हम स्टिच करते हैं, तो हम स्टिच कैसे करेंगे फ्रेंड्स वो देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा कटिंग जो हुआ हुआ है इसके ऊपर हम ये वाले फैब्रिक को रख लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसके नेक हम बनाएंगे। बहुत ही सिंपल में बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है ये, मुझे तो ये बहुत पसंद आता है, आप लोग को भी ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए हम इसको स्टिच कैसे करेंगे। इसमें हमें अलग से कोई पट्टी नहीं लगाना है, बस इसी को हमें उलट लेना है। तो फ्रेंड्स, हम इसको उलटेंगे कैसे, तो चलिए पहले हम इसको सिलाई लगाते हैं। तो देखिए, मशीन पर आ गए हैं और इसको हम सिलाई लगा लेते हैं अच्छे से। ये सबसे सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन है, तो इसको हम पहले पूरे को स्टिच करके फ्रेंड्स दिखाएंगे आपको। स्टिच हमें कभी भी ध्यान से करनी है, हमें हाफ हाफ इंच ही इसमें पकड़नी है, तो वही हम पकड़ रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें हाफ हाफ इंच पूरा पकड़ के स्टिच कर लेना है। इस तरीके से अब हम इधर की तरफ आ गए, अब इधर की तरफ स्टिच कर लेते हैं। सब तरफ से स्टिच हो चुका है। अब इसको हम आपको उलट कर दिखाएंगे कि हमारा नेक आसानी से कैसे बन जाएगा, तो चलिए वो देखते हैं। तो इसके सेंटर पे पहले हम कट लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सेंटर ये हुआ, तो ये सेंटर पे हम एक कट लगा लें, फिर यहाँ पे हमें एक कट लगाना है। 2-3 जगह में कट कट कर लेना है ताकि हमें उलटने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से हम 2-3 जगह कट लगा ले रहे हैं। तो ये हम कट लगा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हमने कट लगा लिया है। अब इसको हम सीधी तरफ उल्टेंगे कैसे वो देखिएगा। तो हमने कट लगा लिया है, अब इसको हम उल्टेंगे कैसे फ्रेंड्स, ये देखिए। इस तरीके से हम उलट कर, ये देखिए इसमें हम कैसे उलट रहे हैं। सबसे आसान तरीका मैं बता दी नेक लगाने की। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरीके से उल्टा जाएगा और इस पर अब हम सब पे स्टिचिंग करेंगे, फिर से एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमारा ये नेक बन चुका है। तो देखिए, इस तरीके से ये उलट लिए हैं। अब इसको हम अच्छे से पहले एक एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये डोरी हम लगाएंगे, तो चलिए हम वो सिलाई और डोरी लगाते हैं। तो इस तरह से हमारी ये अब हम बन गई है। अब हम इसमें फीता लगाएंगे, डोरी जो कि हमें यहाँ पे लगाना है। तो फ्रेंड्स, हम उस तरह से अब चलिए डोरी लगा लेते हैं। डोरी लगाने के बाद दिखाते हैं कैसा, देखिए हमें डोरी कैसे लगाना है। तो इस तरह से हम इसके नीचे रख लिए हैं और यहाँ पे हमें सिलाई चला देना है। तो हम थोड़ा मजबूती से सिलाई लगाएंगे ताकि देख लेना है कहाँ पर हमें डोरी लगानी है। इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई थोड़ी सिक्योर मजबूती से कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स इस तरह से हमने सिलाई लगा दिया है ये वाला। अब हमें क्या करना है वो हमें दोनों, तो देखिए इस तरह से एक लग चुकी है, जो एक्स्ट्रा धागा होगा हम उसे कट करेंगे। तो ये धागा हम कट कर लिए, ये देखिए। अब इसी तरह से फ्रेंड्स हमें दूसरा फीता लगाना है, तो हम चलिए अब दूसरा फीता लगाते हैं। तो इस तरह से अब चलिए हम दूसरा फीता लगाएंगे। तो दूसरा लगाने के लिए हमें इसको इस तरह से नाप लेना है, ये तो ये हम नाप लिए, यहाँ पे हमारा आ रहा है। तो अब हम इसको दूसरा फीता को लगा लेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। तो अब हम दूसरे को लगा लेते हैं और यहाँ पे हम फिर दो तीन सिलाई चला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने दूसरे फीता को लगा लिया है, और लगाने के बाद अब मैं आपको पूरे अच्छे से दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हम इसको बांध करके दिखाते हैं कैसा हमारा ये बन रहा है वो देखिए। जैसे फ्रेंड्स फीता भी लग चुका है, अब इसका हम यहाँ पे वाला फुदना लगा के बताते हैं। तो चलिए वो लगाते हैं। हम फुदना कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए देखिए इस तरह से हमने छोटा सा कपड़ा लिया हुआ है। अब इस कपड़े को हम इस तरह से तिरछा मोड़ लेंगे, और तिरछा मोड़ने के बाद इसमें हम ये वाला नाड़ा डाल देंगे, ये वाला जो हमने फीता बनाया हुआ है इसको हम डाल लेंगे। इसको डालते हुए हम एक एक सिलाई लगा के, और अब हम बता रहे हैं कि हमारा फुदना कैसे बनता है। तो चलिए हम इस फुदने को देखते हैं। यहाँ से हम इस तरह से सिक्योर कर लिए हैं इस तरह, ये देखिए। अब हम सिलाई चलाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो हमारा इसमें धागा निकला होगा उसको कट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारा फुदना बन चुका है एक फुदना। अब इसी तरह हम दूसरी फुदना बनाएंगे, तो चलिए हम दूसरी इसी तरह बना लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारा ये फुदना भी लग चुका है। देखिए हमारा सिंपल में ही कितना प्यारा नेक है। तो मैं इसको समझाती हूँ हमने कैसे कटिंग किया और कैसे स्टिच किया। इस तरह से हमारा नेक बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स ये नेक का डिजाइन आपको कैसा लगा, जरूर आपको पसंद आएगा। पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मैं आ रही हूँ कोई और डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।